शिक्षक संकुल मीटिंग चल रही है और हमारे शिक्षक संकुल महोदय आपको प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहुत ही यूनिक ट्रिक बताने जा रहे हैं। चलिए इनको हम सुन लेते हैं एक बार। जी सर। आप सभी को नमस्कार, मैं आरबी जगवीर सिंह। प्रेरणा लक्ष्य से संबंधित एक ऐसी ट्रिक जिससे हम लोग कभी भी अपने लक्ष्य से विमुख ना हो, ना कभी भूलेंगे, ऐसी हमारी संकल्पना है, हमारा उद्देश्य है कि हम लोग प्रेरणा लक्ष्य कभी ना भूलें। कक्षा एक के लिए निर्धारित लक्ष्य है भाषा का, निर्धारित सूची से 5 शब्द पढ़ लेना, 5 वर्ण या शब्द पढ़ लेना। कक्षा 2 में 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से बच्चा पढ़ लेता हो, और इसके लिए मैं टेक्निक जो बात हो रही है मैं वो भी बता देता हूँ जिससे आप लोग याद बनाए रखेंगे हमेशा, कि कक्षा 2 में अगर बच्चा है हमारा तो 2 के नीचे 0 लगाएं और 20 शब्द प्रति मिनट पढ़ाएं। कक्षा 2 की हमारी भाषा की यही लक्ष्य। जैसे ही कक्षा 3 में पहुंचेंगे तो 3 में 1 0 लगाएं, 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से हमारा बच्चा पढ़ ले, तो ये दक्षता कक्षा 3 की भाषा की पूर्ण हो जाएगी, सॉरी लक्ष्य पूरा हो जाएगा। कक्षा 3 का भाषा का लक्ष्य 30 शब्द प्रति मिनट प्रवाह से पढ़ना है। कक्षा 4 के लिए जब भाषा की बात करेंगे तो उसमें छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों का जवाब बच्चा सही सही दे पाए, ये कक्षा 4 का प्रेरणा लक्ष्य। कक्षा 5 में भाषा के लक्ष्य की बात होती है जब, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है छोटी कक्षा और बड़ी कक्षा में। तो छोटी कक्षा है छोटा अनुच्छेद कक्षा 4, और प्राइमरी की सबसे बड़ी क्लास कौन है? 5। तो जब बड़ी क्लास है तो उसमें कौन सा अनुच्छेद होगा? बड़ा अनुच्छेद होगा, और उसमें से 75% प्रश्नों का जवाब हमारा बच्चा दे पाएगा तो निश्चित रूप से वो कक्षा 5 के प्रेरणा लक्ष्य को, भाषा का जो प्रेरणा लक्ष्य है वो प्राप्त करेगा। इसी प्रकार गणित में कक्षा 1 में 5 अंक निर्धारित सूची से 5 अंक या संख्याएं बच्चा पहचान लेता है। कक्षा 2 में 1 अंक की जोड़ और घटाने के प्रश्न बिना हासिल के, कक्षा 2 में टेक्निक है हासिल नहीं है गणित के लिए। कक्षा 3 में क्या टेक्निक्स है कि जो 2 में नहीं था वो 3 में आएगा, हासिल कक्षा 3 में जोड़ और घटाने के साथ बच्चा कर लेगा। कक्षा 4 में प्रेरणा लक्ष्य गुणा, और गुणा के कितने प्रतिशत प्रश्नों का जवाब दे ले? 75% प्रश्नों का जवाब। और कक्षा 5 का गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? भाग के 75% प्रश्नों का जवाब बच्चा सही सही दे। इस तरह से हमारी कक्षाओं के प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो एक टेक्निक के रूप में काम करेगा। इसी के साथ